अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ समर ट्रेवल सीरीज़। तो अभी सुबह के 5 बज रहे हैं और आज हम अपने पहले दिन के सफ़र का आगाज़ करने जा रहे हैं और फर्स्ट डे का जो ट्रैवल है हमारा स्टार्ट होगा इस्लामाबाद से। और हमारे पास 3 ड्राइवर्स हैं, यहिया, मैं और पापा जी। हम तीनों मिल के शेयर करके चलाएँगे और कोशिश करेंगे आज जितना मैक्सिमम हम ट्रैवल कर सके। टूवर्ड्स का दो प्लान है अभी, बाकी आगे देखते हैं रोड हमें कहाँ ले जाती है या हमारा कहाँ क्या इरादा बनता है। तो प्लान ये है कि आज जितना मोस्टली मैक्सिमम ट्रैवल हम कर सकें उतना ट्रैवल करें और जल्द अज जल्द रोशनी रोशनी में स्कर्दू पहुँचें। मैप्स के ऊपर तकरीबन 13 एंड हाफ आवर्स शो हो रहा है स्कर्दू डायरेक्ट, लेकिन क्योंकि बीच में ब्रेक्स वगैरह आएंगी तो देखते हैं अब मैक्सिमम हम कहाँ तक जा सकते हैं डे लाइट के अंदर, क्योंकि नाइट की ट्रैवल हम प्रेफर नहीं करते। और ये होगी हमारी सवारी टोयोटा अवेंजा, ये हमारे साथ चलेगी जो कि हमारे साथ काफ़ी सफ़रों पर पहले जा चुकी है। سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون। ये मोटरवे का सफ़र हमारा शुरू हो गया और अल्लाह करे आज का सफ़र बड़ा अच्छा गुजरे, बड़ा मज़े का गुजरे। और ये हज़ारा मोटरवे की टनल्स आ गई हैं जो कि इसकी असल खूबसूरती है और इसी वजह से ये मोटरवे मेरी सबसे फेवरेट रोड है। मोटरवे से ये बालाकोट का जो इंटरचेंज है इसकी तरफ टर्न कर ली है और यहाँ पे टर्न करते ही आपको एक रियलिटी चेक मिलता है। इंतहाई ख़राब रोड है यहाँ की, कोई पता नहीं चलता आपको रस्तों का, ना ही कोई मार्किंग हुई होती है एरोज़ वगैरह की और बहुत ख़राब कंडीशन है यहाँ की रोड की। जहाँ इतनी खूबसूरत मोटरवे पीछे बन गई हुई थी वहाँ से जो शहर तक का इंटरचेंज है वो इंतहाई नाकिस है। अच्छा जी, वर्स्ट से वर्स्ट ऑफ रोड आती जा रही है और ये हमारी गाड़ी की कैपेबिलिटीज़ भी चेक कर रही है और तवाब साहब की भी ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज चेक हो रही है इधर। और यहाँ से बालाकोट की जो ब्यूटी है वो शुरू होगी है, दूर दरिया नज़र आ रहा है और इंतहाई ग्रीन एरिया यहाँ पर। और मज़े की बात आज का जो मौसम है वो भी क्लाउडी है और बहुत खूबसूरत सीन्स में इस टाइम बालाकोट के बड़ा मज़े का सफ़र जा रहा है। वो बस थोड़ा सा बीच में जो ख़राब पैच आया था उसकी वजह से थोड़ा ख़राबी होती है, वरना आगे से बालाकोट वाला रास्ता भी अच्छा है। बालाकोट में हम जिस जगह नाश्ते के लिए रुके हैं उसके बिल्कुल साथ हमारे दरिया बह रहा है, बहुत फिट सा पॉइंट बना हुआ है। यहाँ पर बिल्कुल मेन रोड पे आएंगे तो यहाँ पे स्पॉट्स बने हुए हैं रोड के ऊपर, किसी भी रोड स्पॉट पे खड़े हो जाएं तो आपको ये व्यू मिल जाएगा। तो बाकी ये है कि दरिया बहुत तेज़ है, इसका मतलब ये कि पीछे बारिशें वगैरह अच्छी खासी चल रही है, क्योंकि आपको मेरे पीछे पानी के शोर की आवाज़ भी आ रही होगी जो कि मेरी आवाज़ से ज़्यादा है। बालाकोट से आगे ड्राइविंग का शर्फ मिलना है यही आपको, देखते हैं इसकी ड्राइविंग कैसी रहती है, उसको रेट करते हैं, क्योंकि पहाड़ों में ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है इसका ज़िद करके लिए तो अल्लाह खैर करे। अब आगे इंशाल्लाह नरान कोशिश करते हैं स्टॉप करें। और बालाकोट के बाद ये जो कन्हार रिवर के ऊपर डैम वाला एरिया, ये भी इंतहाई गंदा रास्ता है, बिल्कुल रोड यहाँ से ख़राब है, टूटी फूटी है और ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि एक वक्त में रोक के एक साइड को सिर्फ चला रहे होते हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। और ये दूर सामने नरान बाज़ार नज़र आ रहा है और यहाँ से ही पता चल रहा है कि उधर कितना रश होगा, इसी वजह से यहाँ नरान में तो हमारा रुकने को बिल्कुल भी दिल नहीं करता। यहाँ का जो रश है और माहौल काफ़ी ख़राब हो चुका हुआ है नरान का, और हमारा अंदाज़ा ठीक था, इंतहाई रश था नरान में। और अब हमने यहाँ से इसकी बाईपास रोड से गुजरते हुए आगे चल पड़े कन्हार रिवर के साथ साथ। और जो फैमिलीज़ नरान में आना चाहती हैं या आगे ज़्यादा नहीं जा सकते
तो उनको चाहिए कि वो जो सैफ अल मलूक झील का रास्ता है उसके रास्ते में भी कुछ होटल्स हैं और यहाँ से आगे जो बटाकुंडी वाला एरिया वहाँ पे जाके स्टे करें, वहाँ पे थोड़ा बेहतर माहौल होता है। नहार रिवर के साथ साथ जो रास्ता है वो इंतहाई खूबसूरत हो जाता है, वाटरफॉल्स रास्ते में काफ़ी मिलते हैं। पहली वाटरफॉल आई है जिसके अंदर से हम गाड़ी गुजारने लगे हैं। और जहाँ तक जुलकद वाला एरिया है वो सारा बहुत ज़्यादा ग्रीन है, बहुत खूबसूरत है। जिस जिस जगह से चश्मे आते हैं वहाँ पे हल्की हल्की रोड थोड़ी सी ख़राब है, लेकिन ओवरऑल रोड की जो कंडीशन है बटाकुंडी से आगे तक वो काफ़ी अच्छी है। अभी एक छोटा सा चश्मा आया है जिसके साथ साथ पानी खड़ा हुआ था तो थोड़ी सा रोड ख़राब थी। हम बेसल पहुंच गए हैं, ये उधर जुलकत से उतरते ही शुरू हो जाता है, लुलुसर वाइल्ड लाइफ पार्क स्टार्ट हो जाता है और इसके आसपास बहुत फिट कमाल किस्म की सीनरी है, ग्रीनरी है और इधर एक रेस्टोरेंट है, मून रेस्टोरेंट, बहुत काफ़ी फेमस है। तो हम यहाँ पे अभी खाने की ब्रेक लेंगे और फिर इनशाला इरादा तो यही आगे निकलने का, क्योंकि अभी यहाँ से बिल्कुल साथ आके बाबूसर टॉप की चढ़ाई शुरू हो जाएगी। तो अभी आगे से जुलकत वाले साइड से मैं ड्राइव कर रहा था, अब इससे आगे जो है फिर पापा जी को मौका दिया जाएगा कि वो आगे से ड्राइव करें, क्योंकि हर ट्रिकी रोड पर हम पापा जी को पकड़ा देते हैं और ईजी से ईजी रोड के ऊपर मैं और यही ले लेते हैं। खा लिया, फ्रेश हो गए, थोड़े से चाय शाय पी के, तो अब सबसे पहले बाबू सर से पहले आएगी हमारे पास लुलु सर, उसके सीन्स चेक करेंगे और फिर इंशाल्लाह बाबू सर की जो है वो चढ़ाई को कंटिन्यू करेंगे। और ये लेक इजीली एक्सेसिबल है, आप इजीली अपनी गाड़ी पे आ सकते हैं। जो बेसल वाला एरिया वहाँ से कुछ ही मिनट के फासले पे ये खूबसूरत सी लेक आ जाती है, रोड के बिल्कुल साथ साथ आपको ये लेक देखने को मिल जाती है और इसका कलर इंतहाई यूनिक है, ग्रीन सा कलर है इसका, जो कि आसपास के ग्रीन माउंटेंस की रिफ्लेक्शन इसमें आ रही है और बहुत खूबसूरत सीन है। ये इस लेक के सोर्स हैं जो कि चश्मे और ग्लेशियर्स मेल्ट होकर आ रहे हैं इस लेक के ऊपर। हम पहले यहाँ पे लेक के ऊपर काफ़ी दफ़ा आ चुके हैं, रुक के पिक्चर्स वगैरह ले चुके हुए हैं, तो अभी हम यहाँ पर नहीं रुक रहे हैं बल्कि अपना सफ़र आगे बाबूसर टॉप की तरफ कंटिन्यू रखेंगे। और असल जिस चीज़ का मज़ा आ रहा है ना हमें, वो है ये रोड के ऊपर पड़े हुए साथ साथ के ग्लेशियर्स, क्योंकि इनके पास से जो हवा आ रही है इंतहाई ठंडी हवा आ रही है और जितने गर्म इलाके से हम आए हैं सारी थकावट जो है हमारी वो दूर हो जाती है इन हवाओं की वजह से। और बाबूसर टॉप पे भी जो है उसके रास्ते में सारी बर्फ पड़ी हुई है और सड़क के दोनों तरफ जो है ग्लेशियर्स मिल रहे हैं और यहाँ पे हवा मज़ीद ठंडी हो गई है। बाबूसर के रास्ते में सारा रास्ता ग्लेशियर्स और चश्मों से भरा हुआ है, बीच में अक्सर जगह तो ऐसी आ रही है जिसमें रोड के दोनों तरफ ग्लेशियर्स हैं और गाड़ियों को बहुत आराम आराम से एक एक करके गुजरना पड़ रहा है। बाबूसर के रास्ते में खूबसूरती बढ़ती जा रही है, दूर दूर तक इतने खूबसूरत प्लेन्स। बाबूसर
सा टॉप पे पहुंच गए हैं और इधर टेम्परेचर ऑलमोस्ट 10 डिग्री से भी नीचे जा चुका है। मैंने पहनी हुई है हाफ स्लीव्स और शॉर्ट्स और इसमें मेरा बुरा हाल हो रहा है, बहुत शदीद ठंड है। इधर देखिए बादल ये बिल्कुल हमारे लेवल के ऊपर हैं। जो बाबूसर टॉप से पूरा दुधपत्सर नेशनल पार्क नज़र आ रहा है, ये हर सीज़न में बिल्कुल डिफरेंट सीन्स दे रहा होता है। अभी इस टाइम जुलाई के अंदर स्नो कैप्ड पीक्स हैं, ग्रीन प्लेन्स हैं, बीच में स्ट्रीम्स हैं और बहुत ही खूबसूरत मंजर है। एकदम बिल्कुल तबीयत फ्रेश हो गई है। अब यहाँ पे थोड़ा सा व्यूज को एंजॉय करेंगे। इससे नीचे उतरना शुरू हो गया और एक्सट्रीम उतराई है, यहाँ पे बहुत ज्यादा स्टीप है और देखते देखते एकदम सारा जो बादलों ने वो कवर कर लिया और अब तकरीबन विजिबिलिटी जो माउंटेन्स के आसपास तकरीबन जीरो हो गई है। अल्लाह का शुक्र है रोड के ऊपर विजिबिलिटी सही है और वैसे धुंध जैसे बरस रही है उस तरह के क्लाउड सारा जो है ना कवर किया हुआ है और टेम्परेचर ऑलमोस्ट अबाउट 5 to 6 degrees जो है ना इस टाइम चल रहा है। और अब देखते हैं कि कहाँ तक हम डे लाइट में जा सकते हैं और फिर होटल हंट शुरू करेंगे। ये बाबू से टॉप से उतरते उतरते हम बिल्कुल दरिया के अब करीब पहुँच गए और लास्ट जो चेक पॉइंट है वो थोड़ा ही फास्ले पर रहेगी। बस अब हमने कन्फर्म करने के आगे रास्ता सही है या क्या सीन है, फिर उस हिसाब से हम अपनी डेस्टिनेशन का तयन करेंगे। चेक पोस्ट से आगे भी रास्ता ठीक है, बस बीच में कुछ कुछ एरियाज आते हैं जहाँ पे थोड़ा बहुत रास्ता ख़राब है और रात के टाइम थोड़ा बहुत डेंजरस हो सकता है अगर आपको उस एरिया का आइडिया ना हो, क्योंकि हम यहाँ से इस एरिया से काफ़ी दफ़ा गुजर चुके हुए हैं। तो अभी हमने ये फैसला किया कि अभी जगलोड की तरफ जाया जाए और वहाँ पर स्टे करें। ये वो एरिया आया है जहाँ से फेरी मिडोज को रास्ता ऊपर जाता है। यहाँ पे कुछ होटल्स वगैरह और कार पार्किंग वगैरह बनी हुई है और इससे आगे रायकोट का जो ब्रिज है उसको क्रॉस करके हम क्राक्रम हाईवे के ऊपर एंटर हो चुके हैं। और इस पे आते ही आपको एक सेटिस्फेक्शन सी फील होती है क्योंकि क्राक्रम हाईवे सेफेस्ट रोड है इस एरिया की। 12 दिन के थका देने वाले सफ़र के बाद फाइनली हमने डिसाइड किया कि हम अब स्टे कर रहे हैं जगलोट के अंदर। इधर हम जगलोट आर्मी मेस के अंदर स्टे कर रहे हैं और अभी उसी तरह खाना अपना ही गर्म करवा के यहाँ पे खाया है। और यहाँ से बिल्कुल स्कर्दू की जो रोड है वो तकरीबन 5-10 मिनट के फासले पे है, वहाँ से यह जंक्शन से स्कर्दू की रोड निकलेगी। तो आज के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।